क्या हुआ जब भगवान शिव भी व्याकुल हो उठे मोहिनी को पाने के लिए। क्या आप जानते हैं इस पौराणिक कथा के बारे में? आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे यही पौराणिक कथा। समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश, दैत्य एक हाथ से छीन रहे थे तो देवता दूसरे हाथ से। इसी बीच एक मनोरम स्त्री उनके बीच में आ गई। सभी उस स्त्री के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। आपस में झगड़ा भूलकर उस स्त्री के पास दौड़ गए। दैत्यों ने देवी से पूछा, तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम क्या करना चाहती हो? देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे, अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों और मन को तृप्त करने के लिए भेजा है। तुम हमारा झगड़ा मिटा दो, तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में और झगड़ा ना हो। वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त हो मोहिनी अवतार धारण करके दैत्यों के पास गए थे। योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई ना था जिसे वश में ना किया जा सकता हो। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोगों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी दैत्यों के साथ हंस हंस कर बात करने लगी और उसने कहा, मैं माया हूँ, आप महर्षि कश्यप की संतान हैं, मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं? बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी देवी का परिहास और दैत्यों को अपनी तरफ अधिक आश्वस्त कर गया। उन्होंने अमृत से भरा कलश उसके हाथों में दे दिया। मोहिनी ने अमृत का कलश अपने हाथ में लिया, दैत्यों से कहा, मैं जो भी करूं, फिर चाहे वो उचित या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत बांट सकती हूं। उसकी मीठी बात सुनकर सभी दैत्य मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी के अनुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान कर अमृत पान करने के लिए पंक्ति में बैठे। देवता भी वहां आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए, आंखें नशीली, लोगों के सामने कलश के समान स्तन, गज शावक के सूंड के समान जंघाएं, देवी के स्वर्ण नुपुर अपनी झंकार से सभी को मोहित कर रही थी। सुंदर कानों में कुंडल थे, उसकी नासिका, कपोल तथा मुखारविंद बहुत ही मनोरम थे। भगवान के इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया और दैत्यों के साथ छल किया। भगवान शिव ने सुना कि श्री हरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री रूप धारण किया है, तो वे उस स्थान पर गए जहाँ भगवान श्री हरि निवास करते थे। वहाँ जाकर शिव ने भगवान श्री हरि की स्तुति वंदना की। श्री हरि ने शिव जी को दैत्यों को मोहित करने वाली मोहिनी का रूप दिखाया। एकाएक शिव जी एक रंग बिरंगे फूलों से भरे पूरे उपवन में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने, कमर में करधनी पहने एक सुंदर स्त्री को क्रीड़ा करते हुए देखा। उस देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शिव जी की ओर देखा। फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मन उनके हाथ से निकल गया। मोहिनी देवी को निहारने लगे। उनकी चितवन के रस में डूबकर शिवजी इतने भावातुर हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुध न रही। भगवान शंकर की मोहिनी देवी पर आंखें लग जाती लगी ही रहती तथा उनका मन वही रमण करने लगा। मोहिनी देवी के अत्यंत आकृष्ट हो गए और उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उनके हाव भाव शिवजी का विवेक शून्य हो गया और वो कामातुर हो गए। अपने वैरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव ने विष्णु के महामय मोहिनी रूप को जानकर भी वो उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर मोहिनी के पीछे लगे। उन्होंने उन्मत्त होकर मोहिनी के केश पकड़ लिए। मोहिनी अपने केशों को छुड़ाकर फिर वहां से चल दी। शंकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और उस समय पृथ्वी पर जहां जहां भगवान शंकर का वीर गिरा वहां वहां शिवलिंग का क्षेत्र सुवर्ण की खाने हो गई। तत्पश्चात ये माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए। तो दोस्तों, ये थी कहानी जब भगवान शिव शंकर मोहिनी पर आसक्त हो गए थे। आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये कहानी सुन पाए।